फ्रेंड्स, तो हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन, तो मैंने उसमें थियरी समझाई है फ्रेंड्स। अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख के थियरी समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने और वहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था, तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, तो वो हम देख लेते हैं। क्योंकि क्या है कि ये एग्जाम्पल आपको करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो मैं आपको ये सही से एक्सप्लेन करूँगा। तो चले फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एट 0.124। देखिए, अगर आपको पता हो तो पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल था ये वही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें फाइंड अलग करना है। उसमें क्या फाइंड करना था, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो वो वहाँ पे फाइंड डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो वो वहाँ पे फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स और डेल वाई, मतलब यहाँ पे हमको दो डेरेवेटिव करने हैं, लेकिन अलग अलग अक्ष के रिलेटेड। तो इसमें हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरेवेटिव करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डेरेवेटिव करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स क्या है फ्रेंड्स, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई माइनस वन, ये हमारा एफ ऑफ एक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, लोग यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, तो सबसे पहले कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हमें डेरिवेटिव करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई से डेरिवेटिव करना है। तो लोग ये सोचते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, पहला डेरिवेटिव किससे स्टार्ट करें, तो वही कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कन्फ्यूजन कैसे दूर करता है और पहला डेरिवेटिव स्टार्ट कहाँ से होगा। तो पहला डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मतलब जो यहाँ पे राइट साइड पे है ना, उसका पहला डेरिवेटिव होगा, और वो उसका डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई, तो एफ ऑफ एक्स है। अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स का तो 0 क्योंकि एक्स है, प्लस 3xy का क्या होगा फ्रेंड्स, 3x, और वाई का 1, 1 का 0। तो ये मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेल एफ बाई डेल एफ, डेल एफ बाई डेल वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू मिला 3x प्लस 1। तो फ्रेंड्स, ये मिला हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अभी हमें ये जो 3x प्लस 1 मिला, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, तो 3x क्या क्या होगा फ्रेंड्स, 3 प्लस 1 का 0। तो ये मिल गया हमें डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर हमें मिल गया डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा दिया हुआ हो कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेल एफ पहले डेल वाई पहले दिया हुआ हो और डेल एक्स बाद में दिया हुआ हो। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई और डेल, तो यहाँ पे आपको ऐसा भी दिया हो सकता है डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स। अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ हो तो आपको पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो राइट साइड में है उसका पहले डेरिवेटिव होगा, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में जो उसका उसके डेरिवेटिव होगा। तो फ्रेंड्स, अब ये क्लियर है? अभी आपको ये समझ में आ गया कि अगर ऐसा कुछ हो तो पहले डेरिवेटिव किसका करना है। ओके, तो हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ यू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, इसमें ऑल्टरनेट तरीके से हमें फाइंड करना है। इसमें अगर इसको देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें सबसे पहले हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव करना होगा, उसके बाद उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें हमें पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना होगा, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे। तो इसमें वही है, तो चलिए शुरू करते हैं। यू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अभी हम इसी का सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई यू का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए, डेल यू बाई डेल वाई, तो अगर हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा,
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें क्या होगा टू वाई। ओके, तो हमें डेल यू बाई डेल वाई मिल गया। तो अभी ये जो हमें डेल यू बाई डेल वाई मिला, टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हमें ये जो मिला इसका हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, तो ये टू वाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू माइनस वन। अब ये टू वाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो अब इसका क्या होगा, ये माइनस वन यहाँ पर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस वन माइनस वन, मतलब ये यहाँ पे, तो ये क्या होगा, टू वाई तो कॉन्स्टेंट है, माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू माइनस टू। अगर हम इसे नीचे लेके आते हैं तो टू वाई अपॉन, और ये यहाँ ये चीज रह गई, यहाँ पे माइनस टू तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगा टू एक्स। ओके, तो टू एक्स इंटू यहाँ पे टू वाई, सॉरी टू एक्स इंटू टू वाई, हाँ यहाँ पे टू वाई और ये टू एक्स, और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेश टू टू, तो ये हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, फोर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा। ओके, तो ये हमें मिला डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई। ओके, तो मैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई मिल गया, तो अब ये हम ये फाइंड करेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स। ओके, तो देखिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे राइट साइड पे डेल एक्स है, तो हमें सबसे पहले जो यू है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। ओके, उसके बाद वाई, वाई के साथ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे, तो वो क्या आएगा, सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स, तो इसका हम यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो होगा टू एक्स। ओके, तो ये डेल यू बाई डेल एक्स हमें क्या मिला, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसका हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाई सॉरी डेल वाई डेल एक्स। ओके, तो अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये टू एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जिसका यहाँ पे वही होगा जो इसका यहाँ पे हुआ। ओके, तो ये क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू टू के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, इंटू यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, टू वाई। ओके, तो ये क्या मिला, माइनस टू एक्स इंटू टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गया, आगे ये आंसर यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस फोर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आंसर हमें सेम मिल रहे हैं। ओके, ये दोनों आंसर सेम मिले, इसका मतलब क्या है कि हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, तो हम ये प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स। ओके, तो ये था हमारा आंसर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओके।